नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूँ ममता ठाकुर और आज हम जानेंगे संस्कृत भाषा में स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्णों के बारे में। संस्कृत भाषायाम स्वर वर्णाः व्यंजन वर्णाः च, अर्थात अद्य अहम स्वर वर्णानाम तथाश्च व्यंजन वर्णानाम माध्यमेन संस्कृत भाषायाम नवीन शब्दानाम ज्ञानम कारयिष्यामि। अ अम्बा अर्थात माता, आ आम्रम अर्थात आम, ई इंदुः अर्थात चंद्रमा, ई ईशः ईश्वर, ऊ उटजः अर्थात झोपड़ी, ऊ ऊर्मिका अंगूठी, रि वृक्षः भालू। और ये है एक अलग वर्ण जो कि संस्कृत में होता है, इसका उच्चारण है लरी लरी। ए एड़का अर्थात भेड़, ऐ ऐरावतः ऐरावत अर्थात इंद्रदेव का हाथी, इंद्रदेव के हाथी का नाम है ऐरावत। उसके बाद ओ ओदनम अर्थात पके हुए चावल, औ औषधः दवाई, अंग अंशुमान सूर्य, आह खाली। क कपोतः अर्थात कबूतर, ख खटिका चौक, ग गजः हाथी, घ घटः घड़ा, अङ खाली, च चक्षुः आँख, छ छत्रम छाता, ज जम्बूफलम जामुन, झ झरः झरना, य खाली, ट टंकिका कुल्हाड़ी, ठ ठकुरः देवता की मूर्ति, ड डमरू डमरुः, ढ ढक्कः ढोल, ण खाली, त तक्षकः बढ़ई, थ थः पर्वत, द दर्पणम शीशा, ध धनुः धनुष, न नकुलः नेवला, प पंकजम कमल, फ फलम फल, ब बकः बगुला, भ भल्लूकः भालू, म मयूरः मोर, य यतिः साधु, र रजकः धोबी, ल लगुडः लाठी, व वनम जंगल, श शशकः खरगोश, श षट्पदः भौरा, स सदनम घर, ह हलम हल, क्ष क्षेत्रम खेत, त्र त्रिशूलः त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी विद्वान, श्र श्रमिकः मजदूर। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।